वेलकम 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 बैक एवरीवन टू हिमलैंड्स। तो हिमलैंड्स के अंदर गड़बड़ों का सिलसिला बहुत आगे बढ़ चुका है और लास्ट एपिसोड में तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड मैंने गलती से कर दिया गाइस। तो लास्ट एपिसोड में एंटिटीज की एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पे जाने के लिए मुझे किसी ना किसी एक बंदे की कुर्बानी देनी थी, सेक्रीफाइस करना था अंडरग्राउंड लॉर्ड के सामने। तो मैंने चूज किया ड्रीम बॉय को एंड उसको मारने के बाद मुझे लगा था कि वो मरेगा और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड हो जाएगा, लेकिन गाइस नीचे लिख के आ चुका ही कैन नेवर रिस्पॉन्ड इन हिमलैंड्स अगेन। तो आई थिंक वो परमानेंटली बैन हो चुका है हिमलैंड से। बट ड्रीम बॉय की कुर्बानी वेस्ट नहीं गई गाइस, क्योंकि उसके बाद मैं गया था उन एंटिटीज के नए ठिकाने पे एंड वहां पे गाइस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए गया था और मुझे वहां पर एक बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो की है कि एंटिटीज दोबारा से किलविश द रियल एंटिटी के बाप को रिवाइव करने की ट्राई कर रहे हैं। और वहां पे गाइस एक बहुत ही अजीब सी प्रिजन के अंदर क्वीन जैस्मिन को बंद किया हुआ था गाइस, उसको मैं छुड़ा के जब वापस लेकर आया एंड उसको छुड़ाने के बाद फाइनली जब हम लोग अपने इस वर्ल्ड के अंदर है गाइस, तो ये यहाँ पर बैठ के रो रही है। आई हैव नो आइडिया क्वीन जैस्मिन, आप क्यों रो रहे हो मुझे बताओ एक बार। मैंने लास्ट एपिसोड में भी इसको बोला था भाई ये ना ऐसे आइस पे बैठी हुई है भाई, पिछले 2-3 हफ्ते हो चुके भाई, अब तो इस आइस के ऊपर ऐसे बैठी हुई है भाई, पिछवाड़ा ठंडा हो जाएगा आपका यार, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। ये बिल्कुल भी गाइस मेरी बात ही नहीं मान रही, बहुत टाइम से लेके कंटिन्यूसली रोए जा रही है। तो आज गाइस हम लोगों को क्वीन जैस्मिन की इस दिक्कत के बारे में तो पता करना ही करना है, बट उसके अलावा आज बहुत सारी चीजें है जो हिमलैंड्स में होने वाले हैं, मुझे पता है तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। तो लाइक मारो इस वीडियो का, लाइक है मैं गाइस 235,799 लाइक। अगर तुम लोग इस लाइक को कंप्लीट करोगे ना भाई, हर एक बंदे को घर में घुस के पपिया मारने वाला हूं मैं। अगर तो गलती से तुम लोगों ने 300,000 लाइक्स क्रॉस करवा दिए ना, तो भाई 2 पपिया 2 गाल पे, टोटल 4 पपिया हर एक इंसान को देने वाला हूं मैं घर में घुस के भाई, ठीक है गाइस। बाकी एंजॉय दिस वीडियो एंड क्वीन जैस्मिन प्लीज टेल मी यार क्या हो गया यार, मैं स्मार्टी पाए दुनिया से उस रीजन को उखेड़ के फेंक दूंगा जिसने आपको रुलाया हुआ। I'm telling you भाई, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्वीन जैस्मिन को हंसते हुए देखना। क्वीन जैस्मिन प्लीज मुझे बता दो यार गाइस, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ उसको चीयर अप करने की, ये मान ही नहीं रही भाई। क्या हुआ, किसने, एक सेकंड, किसने छेड़ा तो नहीं आपको भाई, किसी ने आपको हाथ लगाया होगा, उसके हाथ काट के मैं भाई उसके व्हाट, ये क्या कर रही है क्वीन जैस्मिन, मुझे बता दे भाई किसने छेड़ा, किसने नजर मारी, पर ये मुझे डरा रही है, ये कैसी भाई ज़ॉम्बी जैसी एक्टिंग क्यों कर रही है, व्हाट, ओ शिट डूड, क्वीन जैस्मिन व्हाट ब्रो, क्वीन जैस्मिन हेलो, अरे यार इसको क्या हो गया भाई, क्या हरकत है यार, अगर किसी ने छेड़ा, किसी ने दूर से नजरें घुमाई उसकी आंखों से भाई गोटियां खेलने वाला भाई, मैं कंचे खेल लूंगा, मजाक नहीं करो निकाल के, मुझे बता तो सही, वेट अ सेकंड गाइस आई हैव टू चेक हर आउट, क्वीन जैस्मिन क्या हो गया, व्हाट, अबे इसकी आंखें देखो वेट भाई, इसकी आंखें पूरी व्हाइट हो रखी है, कांड हो रखा है इसके साथ, क्वीन जैस्मिन व्हाट हैपेंड, साला किंग ओडिन, स्मार्टी बेटे क्या हाल चाल है, अबे साले मेरे, वेट अ सेकंड, अगर ब्रो ये तूने किया होगा ना किंग ओडिन, आई एम टेलिंग यू मैं तेरे को दुनिया से उखेड़ के बाहर फेंक दूंगा भाई, आई एम, हाँ और कौन करेगा कांड, मैं ही हूं तेरे लिए तेरी लाइफ का शकुनी मामा, साले तू मामा तो नहीं है पर तो शकुनी जरूर है, तू कुत्ता है भाई एक नंबर का, क्वीन जैस्मिन के साथ क्या किया तूने, पूरी आंखें सफेद हो रखी है इसको, तू और कुछ देखेगा तू भाई, एक सेकंड रुक जा, तू पहले खुद तो साले सामने आ, फिर बताता हूं मैं तेरे को एक बारी, तो देख ले पीछे ऊपर पीछे, अबे साले तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तेरे पास बहुत सारा पावर्स होगी मैं मानता हूं, बट तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्वीन जैस्मिन को छेड़कर, भाई मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई इसको टच भी करे तो, और कुछ देखेगा तू, अबे तू दिखा ना, क्या दिखाएगा तू, तू है ये ले, ओ जैस्मिन जैस्मिन आपकी आंखों को क्या हुआ, ये आपकी आंखों को क्या हो गया, क्या ये कुछ कर रहा है क्या आपके साथ, मुझे बताओ, और गिर जा जैस्मिन, मतलब साले इसकी, जैस्मिन हेलो, अरे इसकी मुंडी गिर गई नीचे भाई, तू क्या, वेट साले इस बंदे ने इसको किडनैप नहीं क्या बोलते उसको, लाइक हेलुसिनेट क्या बोलते उसको भाई, हिप्नोटाइज कर दिया कुत्ते ने, अबे तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो उस निहत्ती पे क्या वार कर, मेरे पे वार कर, एक मस्त चीज सुनेगा, सुनाऊं तुम्हें, मजा दूंगा, सुना तू क्या सुनाएगा भाई, मैं मजाक बिल्कुल, अरे स्मार्टी नल्ले तू क्या भिड़ेगा, शकल तो देख अपनी, स्वॉर्ड लेके हीरो समझता है अपने आप को, वेट ड्रीम बॉय,
ड्रीम बॉय किधर है? ड्रीम बॉय दिख रहा है क्या? ड्रीम बॉय कहीं सामने कौन है तेरे? देख सामने कौन है तेरे भाई? मेरे सामने तो नल्ला रियल किंग, किंग ओडिन है। ड्रीम बॉय कहां पे हो आप? बेटे ज्यादा बोलेगा दो टुकड़ों में कर दूंगा तेरी क्वीन जैस्मीन को, दूसरे यूनिवर्स में भी नहीं ढूंढ पाएगा दूसरी क्वीन जैस्मीन। अगर तूने गलती से भी क्वीन जैस्मीन को हाथ भी लगाया ना बेटा, तो हाथ काट के ऐसी जगह पे डालूंगा फिर तू दो नंबर नहीं कर पाएगा कभी जिंदगी में, समझा? मैं हाथ क्या, मैं पैर भी रख सकता हूँ, एक उसके ऊपर एक तेरे ऊपर। अपना मुंह बंद रख और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। तू मुझे बस एक बात बता कि ये तेरे, तू ये ड्रीम बॉय के साथ तूने क्या किया? मुझे लग रहा है कि तूने कुछ ना कुछ कांड किया। तू मैंने कुछ किया है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ड्रीम बॉय की आवाज कहाँ से आ रही है मुझे बता एक बार। क्या हो गया समझ नहीं आ रहा? तेको क्या लगता है कि मैं सिर्फ ड्रीम बॉय की आवाज निकाल सकता हूँ? मतलब बेटा मैं एसजीओ की भी आवाज निकाल सकता हूँ, और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इन दोनों की आवाज निकाल सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं और एक चीज की आवाज निकाल सकता हूँ। मैं स्मार्टी पाई की आवाज भी निकाल सकता हूँ। बच्चे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू एक नंबर का नल्ला है मेरे सामने बच्चा कहीं का। तो बेटे चुपचाप जल्दी बता किसकी आवाज में सुनना चाहेगा मेरे मुंह से डायलॉग्स? भाई तू यार किंग ओडिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा चाहता क्या है जिंदगी से, क्या चाहता है भाई? क्या तेरा मेन मकसद क्या है? चाहता हूँ तेरा खात्मा। तेरा शिमला में रहता है ना तू बेटे, वहीं आके पेलूंगा। वहीं थार है ना तेरे पास, वहीं उड़ा दूंगा। जिस घर में रहता है वो घर भी मेरे को पता है, बताऊं क्या एड्रेस? भाई तू मेरे को मार दे, इसको तो छोड़ देना, इसने क्या बिगाड़ा तेरा? देख इसको, तेरी क्वीन जैस्मिन कुछ देखना चाहेगा क्या? कुछ देखना चाहेगा बता। नहीं, खड़े हो जाओ बच्चा। नहीं अभी अपनी मुंडी चटकाओ जरा, क्रैक की आवाज आनी चाहिए तगड़े तरीके से, कड़कड़ करो। यस क्वीन जैस्मिन तू उसकी बात क्यों मान रही है? चलो क्वीन जैस्मिन बेटा अभी टुकड़ों में गिर जाओ। अरे रुक जा साले किंग ओडिन, ऐसी हरकतें मत कर। देख ये इसका हाल होएगा आगे जाके, और देख क्वीन जैस्मिन खड़े हो जाओ बच्चा। नहीं भाई कुछ मत कर, कुछ मत, जरा अपनी मुंडी मेरे कदमों में लाके दो। ये क्या कर, जल्दी जल्दी लाके दो, लाके दो क्वीन जैस्मिन प्लीज, इसकी बातें मत मान, जल्दी से इसकी। देख रहा है ये स्मार्टी पाई बनाऊं, यस अगली पाई मार मार के किंग ओडिन नाम है बेटा मेरा, भूल जाता है ना तू कि मैं क्या हूँ। तो बेटा चुपचाप से मेरे को तुझसे करवाने हैं कुछ काम, और वो काम तुझे करने पड़ेंगे। अगर खुश रहना है जिंदगी में तो वो काम तुझे करने पड़ेंगे। पहली बात तो भाई मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रही है, इसको सामने देख रहा हूँ ये ड्रीम बॉय की आवाज कैसे निकाल रहा है, आई हैव नो आइडिया। बट मैं तेरा क्या काम, मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा भाई, तू इविल है, तू घटिया है। और तेरे को अगर क्वीन जैस्मिन तक जाना तो मेरे थ्रू जाना पड़ेगा भाई, मैं सामने ढाल लेके खड़ा हूं। अबे बच्चे तेरे को पता है ना मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और क्वीन जैस्मिन की क्या बात करता है तू? देख मैं अभी क्या करता हूँ, तू चाहता है ना क्वीन जैस्मिन मेरे हाथों मरे तो ठीक है। अरे नहीं चाहता हूं मैं। चलो 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 क्वीन जैस्मिन वहाँ ऊपर चढ़ के जाओ 25 ब्लॉक। क्वीन जैस्मिन नहीं, तू इसकी बात क्यों मान रही है? तू इसकी बात क्यों मान रही है? 25 ब्लॉक से अगर बंदा कूदे बिना आर्मर के तो क्या होता है उसके साथ? डिस्ट्रक्शन। क्वीन जैस्मिन नहीं, अगर तूने छलांग मारी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं, इसकी बात क्यों मान रही क्वीन जैस्मिन? व्हाट हैपेंड है क्वीन जैस्मिन? बच्चे और ब्लॉक लगाओ, चलो एक्स्ट्रा ब्लॉक और लगा लो, चलो कोई कोई कसर ही नहीं छूटनी चाहिए ना आपके मरने की। चलो बच्चे साले, चलो चलो और चलो। रोक दे भाई, मैं तेरे सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, सब जो भी टास्क देगा मैं करने को तैयार हूँ, मां कसम प्लीज। अरे अच्छा अच्छा, मॉल रोड पे आके सिड्डू खिलाएगा? यार मॉल रोड बहुत दूर है यार, यहाँ से मैं कैसे जाऊंगा? रियल माइनक्राफ्ट के अंदर तो बोलना। बस अब क्वीन जैस्मिन का मॉल रोड बनेगा। चल क्वीन जैस्मिन, चल चल तेरा शिमला बनाता हूँ मैं, आजा और लगा ब्रोक। चल अब फटाफट से छलांग मार क्वीन जैस्मिन। क्वीन जैस्मिन छलांग मत मारियो। 3 लेट्स गो। नहीं क्वीन जैस्मिन, ये इसकी बात किंग ओडिन साले तेरी बातें क्यों मान रही है ये? देखा बेटा तेरे से ज्यादा बात तो मेरी मानती है, मेरे साथ ज्यादा लॉयल है, बोल तो इसको मैं ले जाऊं। यार मेरे को समझ नहीं आया साले, ये बंदा शैतान बन गया। मैंने मूवी देखी थी आज से कुछ टाइम पहले, वशीकरण कर लेता है, इसने भी वही किया हुआ है। मूवी देखता रहा भाई, मूवी के अंदर पता है ना क्या होता है, एंड में हीरो पिटता ही है। किंग ओडिन भाई मेरी बात मानो, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, इसको टॉर्चर मत करो, मैं सब बात मान लूंगा आपकी। क्या काम करना मुझे बेटा? एक बार मना कर दिया ना तूने, अभी मैं रुकने वाला हूं। क्वीन जैस्मिन ब्रो, आई विल वर्क फॉर यू, मैं बोल रहा हूं ना, काम करूंगा, मत कर। क्वीन जैस्मिन चलो थोड़ी स्विमिंग करके दिखाओ मेरे को जरा, चलो चलो। क्वीन जैस्मिन क्यों बातें मान रही है इसकी यार, क्या है ये? अंदर जाओ और डीप जा क्वीन जैस्मिन, और डीप जा, नहीं और सफोकेट करके मर जा, वापस बाहर नहीं आने का, ठीक है, मरने का अंदर। बिल्कुल भी नहीं। क्वीन जैस्मिन ये हरकत है बिल्कुल, गलती से निकल किंग ओडिन, ये हरकतें मत कर। ये हरकतें मत कर, मरना है, दैट्स व्हाट किंग ओडिन वांट बेबी, दैट्स व्हाट।
तुझे क्या लगता है तू बचा लेगा उसे? क्वीन जैस्मीन बाहर आ जाओ। किंग ओडिन हरकतें मत कर यार, मैं तेरी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। साले से वशीकरण कर दे जो ये बोलेगा ये करने वाले। क्वीन जैस्मीन इसकी बात मत मान, इसकी बात मत मान। वहाँ पे पूरा समुंदर है यार, वहाँ जाके डूबो ना, यहाँ क्यों डूब रही हो? नहीं क्वीन जैस्मीन रुक जा, प्लीज रुक जा, प्लीज रुक जा। किंग ओडिन मैं तेरी सारी बातें मानने वाला ब्रो, अगर एक बार मर गई तो ऐसे मैं तेरी बात नहीं मानूंगा भाई। फायदे का सौदा है, रुक जाओ। फायदे का सौदा है, मैं मान जाऊंगा सारी बातें यार। You sure? मैं मान मेरे काम करके देगा तू? भाई मैं सारे काम करूंगा आपके, मुझे बताओ करना क्या है। पाउच द शक्ति, पाउच द पावर, स्मार्टी, तुझे मेरे सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, वरना क्वीन जैस्मिन गई तू उसको बचा नहीं सकता है। अरे भाई मेरी आवाज निकालना बंद करो और छोड़ो उसको भाई, पीछे देखो एक जगह पे साइलेंट खड़ी है यार, उसको छोड़ो, मैं सब काम कर दूंगा। एक काम करते हैं, सुन एक काम करते हैं यार, क्वीन जैस्मिन से एक काम और करवाया जाता है ना, एक काम और यार, मेरी सेफ्टी के लिए समझ रहा है तू? अब क्वीन जैस्मिन तेरे को मेरा एक काम और करना पड़ेगा। नहीं करना है कोई काम, चुपचाप से जाओ क्वीन जैस्मिन और उस एंशिएंट सिविलाइजेशन को ढूंढ के आओ जिसका नाम है टिम्बक्टू। क्वीन जैस्मिन नहीं करना ये काम, नहीं करना ये काम, चाहे सालों साल लग जाए पर तुझे जाना है। नहीं करना ये काम क्वीन जैस्मिन, लेट्स गो, चलिए लेट्स गो। ये हुई ना बात, क्या हुआ क्या हुआ शिमला के सौदागर, पीछे तो देखो बेटे स्मार्टी, पीछे तो देख, पीछे तो देख, तेरे को कुछ भी करके मेरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सिविलाइजेशन है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो उसे सालों साल तक ढूंढती रहेगी और ढूंढते ढूंढते बूढ़ी हो जाएगी और पागल हो जाएगी, समझ रहा है? तो तेरे को अभी मेरे काम करने पड़ेंगे, और गौर से सुन मेरे काम क्या है। मैं तैयार हूँ, मुझे बस काम बताओ, क्या काम है आपके ब्रो? मुझे मेरे काम में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट गाइस, तो किंग ओडिन से मेरी बात हो चुकी है, इन्होंने मुझे ना हीरो हीरो रुक जा बाद में बताइए अपने ऑडियंस को, मैं चलता हूँ, मुझे तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अभी, चल मैं निकलता हूँ, मेरा काम करके आ तब बात कर, और हाँ ध्यान से सुन ले, उस कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाइयो वरना तेरी क्वीन मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। गाइस मुझे ना किंग ओडिन ने अभी कुछ टास्क दिए हुए यार, उसने मुझे तीन टास्क दिए हुए, बेसिकली दो टास्क अभी उन्होंने मुझे बता दिए, तीसरा टास्क फिलहाल को बताया नहीं है, वो रहा दो टास्क कंप्लीट करके आएगा तो तीसरा टास्क तब बताऊंगा, पहला टास्क की पूरी डिटेल दे दी है। एंड आई एम कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, ये क्या मतलब चाहता क्या है ये करना, ये मतलब एक ऐसी चीज है जो गाइस मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि इसका मतलब क्या है। तो उसने मुझे पहला टास्क जो दिया वो दिया है, तुम लोग गाइस मुंह के सामने सूरज देख पा रहे हो हमारे हिमलैंड्स का, इसने बोला है कि भाई इस सूरज के साइज को 10 गुना ज्यादा बड़ा करना है। व्हाई भाई, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है चीज, क्यों? ये हमारा पहला टास्क है और साला सूरज के साइज को बड़ा कैसे करते हैं मुझे क्या पता, मैं सूरज लोक जाऊं क्या मैं ऊपर भाई, रॉकेट है एस्ट्रोनॉट बनके, मेरे को नहीं है इससे रिलेटेड, और सूरज के साइज को बड़ा करके इसका क्या एडवांटेज होगा, आई हैव नो आइडिया गाइस, बट फिलहाल को मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को मैं जाता हूँ प्रोफेसर के पास, यस एग्जैक्टली गाइस, प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा मेरे को, प्रोफेसर या जो मेरी आखिरी बंदा जो मेरी मदद कर सकता है इससे रिलेटेड, मुझे इन्फॉर्मेशन तो निकालनी पड़ेगी ना भाई, सारा सूरज के साइज को बड़ा करके होगा क्या, और इसके साइज को बड़ा करना कैसे है, करना तो पड़ेगा गाइस, वरना क्वीन जैस्मिन ना बेसिकली इसने हिप्नोटाइज कर दिया क्वीन जैस्मिन को, और अभी उसकी सारी बातें मान रही है, जब तक इसके टास्क कंप्लीट नहीं करेगी क्वीन जैस्मिन वो मतलब करती रह जाएगी, और एंशिएंट सिविलाइजेशन अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो अगले 10,000 साल तक भी क्वीन जैस्मिन जब तक ये मरेगी नहीं उसको ढूंढती रह जाएगी भाई। ओके गाइस मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी जा रहा थी, 1.5-2 घंटे लगने वाले हैं डार्क हिमलैंड्स पहुंचने के लिए, बहुत टाइम लगेगा बट कोई नहीं मैं पहुंच जाऊंगा अभी फटाफट। चलो ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, पहुंच चुका हूं मैं यहां पे प्रोफेसर के पास, प्रोफेसर कहां है, प्रोफेसर प्रोफेसर मेरे भाई, ओ देखिए सामने प्रोफेसर मेरे भाई, थैंक गॉड तू जिंदा है, तू सेफ है, मैं भी सेफ हूं भाई, तू आ गया अब भाग जा यहां से, अबे रो रहा है ये प्रोफेसर, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, रो क्यों रहा है तू, हेलो क्या हुआ, तूने ड्रीम बॉय को मारा, भाग जा यहां से कतार। अरे भाई तेरे तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई ब्रो, ये गलत इंफॉर्मेशन है ब्रो, ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है यार भाई, मेरी बात सुन, मेरी बात प्रोफेसर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए भाई, अगर तू नहीं मेरी, तूने मुझे मना किया था तभी उसे मार दिया भाई, आई नो कि मैंने तेरे साथ डिस्कस किया था लेकिन उन एंटिटीज की जगह पे जाना कितना ज्यादा जरूरी था। अरे रुक जा भाई, मुझे मत मार प्रोफेसर साहब, तू मुझे जानता है मैं कोई भी चीज फालतू में नहीं करता हूँ यार, हमें यार मुझे जाना था उस एंटिटी की जगह पे तो मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ा यार ड्रीम बॉय का, एंड आई थॉट कि वो कहीं ना कहीं स्पॉन हो जाएगा यार इंग्लैंड में, मां कसम, पर वो बैन हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया है पक्का भाई। देख मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तेरे को मेरी मदद करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है भाई, प्लीज
भूल जा मैं तेरी कोई मदद करने वाला हूँ, भाग जा यहाँ से। प्रोफेसर प्लीज यार, देख गलत फहमी है भाई, गलत फहमी है। प्लीज अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता है। ब्रो मेरी बात सुन भाई, इट्स अबाउट क्वीन जैस्मिन, इट्स अबाउट क्वीन जैस्मिन। अपने लिए नहीं मांग रहा मदद, क्वीन जैस्मिन के लिए भाई कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे तुझसे। प्लीज दो मिनट के लिए मेरी बात सुन ले, प्लीज दो मिनट, ज्यादा नहीं बस दो मिनट, उससे ऊपर मैं एक मिनट भी लूंगा। बोल जल्दी, एक मिनट, एक मिनट भी काफी है भाई, बात तो सुन ले मेरी बात। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर को मैंने सब कुछ बता दिया। प्रोफेसर साहब ने यहाँ पे मेरे को बोला है कि अभी ये ना कंप्यूटर के ऊपर चेक करने वाला है। मैंने उसको बताया पूरी की पूरी बात कि किंगोडिन ने क्या हरकत करी है और क्वीन जैस्मिन कहाँ जा रही है। तो अभी ये कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकालने वाला है सुपर कंप्यूटर से, एंड आई रियली होप कि भाई ये इससे इन्फॉर्मेशन निकाल दे क्वीन जैस्मिन के रिलेटेड और भाई सब कुछ सही हो जाए। बाय द वे मैंने इससे बात करी यार उस अपने सूरज वाले कांड की, इसने मना कर दिया, बोलता भाई तेरे पर्सनल प्रोपेगेंडा के लिए मैं कोई काम नहीं करने वाला, कोई काम नहीं करने वाला मैं, ठीक है ना। तो भाई आई डोंट नो प्रोफेसर, कुछ अला पता भाई हुआ कुछ क्या भाई है, मुझे बताओ यार क्या सीन है, मुझे बताओ एक बार सब कुछ। ऑल राइट, तो प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो चुकी है। प्रोफेसर ने बोला है कि क्वीन जैस्मिन को जिस काम के लिए उसने भेजा है ना भाई, उस जगह पे लाइक उस सिविलाइजेशन ढूंढने के लिए, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सुपर कंप्यूटर पे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसने बोला है कि भाई वो बंदी ना 70,000 ब्लॉक्स पर आवर की स्पीड से जा रही है। अरे मुझे मारो बस, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती थी भाई। तो इसने मेरे को बोला है कि मैं अभी वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद आऊंगा, तो 1,10,000 ब्लॉक्स ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है और उतनी स्पीड से दूर जाती रहेगी। तो भाई मुझे ना किंगोडिन का काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर मेरी मदद करने का, प्लीज मुझे वो बता दे यार सूरज वाला यार, देख इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे को कंप्यूटर ऑन करना आता नहीं वाला। हो गया तेरा काम, अब निकाल यहाँ से प्रोफेसर प्लीज यार। इन सबको लगता है कि मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये मेरी मदद नहीं करेगा। मैंने ये एक्चुअली में ड्रीम बॉय वगैरह का बहुत अच्छा दोस्त है यार, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, बट मैंने एक दोस्त को मार दिया तो भाई ये गुस्सा कर गया यार बंदा। कोई बात नहीं गाइस, लेट्स डू वन थिंग, किसी और तरीके से पता लगाना स्टार्ट करते हैं कि साल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या लॉजिक है भाई, ये क्या ये लॉजिक यार, फालतू का टास्क दे दिया उसने मेरे को यहाँ पे, कसम से आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रो, ये कोई सेंस नहीं बनाते। सूरज के साइज को बड़ा कर दे 10 गुना, भाई इसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा होगा आई हैव नो आइडिया, बट आई नो गाइस कि तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला भाई, कुछ तो बहुत तगड़ा कांड होने वाला है। इसलिए लाइक एम जरूर कंप्लीट करना भाई इस वीडियो का, ठीक है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई। तो चलो अभी पता नहीं मैं कैसे इसका पता करूंगा, बट लेट्स सी मैन। ओहो बड़ी मदद मांगे जा रही है, किंग ओडिन के लिए काम करता है ना तुम? अरे हा? भाई मैं किंग ओडिन के लिए काम कर रहा हूँ यार एसडीओ, और आप मुझे इतनी देर से सुन रहे थे क्या? अरे मतलब नहीं, मैंने कुछ सुना वगैरह तो नहीं, मेरे को अभी प्रोफेसर ने बताया कि तुम वहाँ पे आके बड़े गिड़गिड़ा रहे थे, कुछ मदद मांग रहे थे, उसको भी प्रॉमिस देके रखा है कि बताना मत मुझे। मेरे बस सुनो, अभी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस गया यार, मेरे को ना मैं टास्क पे हूँ बेसिकली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, आप मेरे साथ चल सकते हो, परफेक्ट है। चल चल आवे भाई, मैं तुम्हारे साथ आऊ, जो बंदा अपने दोस्तों को धोखा दे दिया, तुम तो मेरे नजदीक भी मत आओ साला, दूर रहो भाई 4 फीटर, भाई मेरे को भी मार दोगे, भरोसा नहीं, कौन सी तलवार लेके। कोई धोखा नहीं दिया है किसी को भाई, ड्रीम बॉय मरा क्योंकि उसकी गलती थी और बैन हो गया, मैंने उसको बैन नहीं किया सर, वैसे आपको तो पता ही है। अच्छा जी, मैंने कोशिश किया उसको वापस लाने का, फिर भी नहीं आया लौंडा, तुम साला इतना गंदा हो गया है इंसान, मेरे सामने मत आओ भाई, तुम बहुत गंदा हो गया भाई। यार ऐसे मेरे से मेरे काम करने चलो, मैं बहुत कोई मदद नहीं कर रहा यार, आप अकेले बंदे हो जो मदद कर सकता है भाई, मैं कैसे ट्रस्ट करूं आपके ऊपर, आप मेरे को भी बलि का बकरा बना दोगे? मैं नहीं बनाऊंगा यार, कभी बनाया आज तक? नहीं नहीं नहीं, मेरी शक्ल भी बकरे जैसी है, मैं हो जाऊंगा भाई बलि का बकरा, मुझे पता है तुम कर दोगे, मेरे को सूली चढ़ा दोगे। अभी तो तुमको ऐसे कोर्ट कचरे में घसेड़ने वाला हो ना, और तुम्हें पता ही है हिमलैंड्स का कोर्ट एक लित्तू पित्तू सा कोर्ट तो नहीं है, वहां पे जो केस चलेगा तुम्हारे ऊपर मुकदमा में रुलाऊंगा मैं तुम्हें, देखना आना भाई, तुम्हारे ऊपर केस तो मैंने डाल दिया है, अभी सुनवाई के लिए आना, तब रुलाते हैं तुमको, आ जाओ। फिर ऐसे जेल में जाओगे ना 10-15 साल की चक्कियां पिसोगे वहां पे, खुद ही लीव कर दोगे इस सरोय को, फिर हम मैं और ड्रीम बॉय रहेंगे यहाँ पे, देख लेंगे, कोई नहीं कोई नहीं भाई, देख लिया हमने तो, देख ही लिया हमने तो, बहुत कुछ देख लिया साला, मेरे को सुना ही दिया था थोड़ा, देख लेंगे जो भी, लड़की को बचाना है पर हमारे लड़कों को उड़ाना है, दोगलापन है भाई दोगलापन। गाइज मैंने कर दिया खुद को म्यूट, अब मुझे कोई ना सुन पा रहा है ना मेरी आवाज को सुन पा रहा है भाई, बहुत बड़ी गलत फहमी है जो को लग रहा है अभी भी कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, बट कोई बात नहीं भाई, अभी मेरा टाइम नहीं है सब कुछ ठीक करने का, मैंने किंगोडिन के वाला काम खत्म नहीं किया और अगला काम खत्म नहीं किया, गई भाई क्वीन जैस्मिन, और ऊपर से एसडीओ मुझे धमकी मारा कोर्ट कचहरे की, तुम लोगों के अगर आइडिया नहीं है हिमलैंड्स के ऊपर हमारे ऊपर, बेसिकली हम तो बेसिकली तुम लोग बोल सकते हो कि लाइक नॉर्मल से प्लेयर्स है
है ना, हमसे ऊपर बहुत सारी चीजें है भाई हिमलैंड के ऊपर, और हिमलैंड का जो कोर्ट है ना वो इतना डेंजरस है ना ब्रो, इतना डेंजरस है ना कि तुम लोगों को अभी आइडिया भी नहीं है। बेसिकली कोर्ट केस अगर एक बार ही हो गया ना मेरे पर, तो भाई मुझे आना ही, समन होना ही पड़ेगा, और टाइम बिल्कुल नहीं गाइस, सब मेरे को क्वीन जैस्मिन को बचाना पड़ेगा भाई, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बहुत बड़ी। कैसे बचाऊं लेकिन मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई, तू ही मदद कर ले साले मेरी यार, ये मारेगा मेरे को, भागे ऐसे भागे ऐसे। अरे भाई सूर्यदेव जी कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इस बंदे का ये काम पूरा करूंगा। गाइस गई भाई हमारी क्वीन जैस्मिन, वो अभी अब ऑलरेडी 2.5 घंटे बीत चुके हैं, और तुम लोग ये मान के चलो 2.5 घंटे का मतलब है 7 × 14 और कितना होता है लाइक आपका ऑलमोस्ट 1,80,000 एक्स्ट्रा जोड़ दो तुम लोग भाई, वो बंदी 4 लाख ब्लॉक्स दूर जा चुकी है ऑलरेडी भाई साहब, 4 लाख, और रुकेगी नहीं भाई जब तक। कैसी आवाजें आ रही भाई ये किंगडम से, फटफट साला ये किंगडम की, ओ माय गॉड, वेट ये लाइब्रेरियन है ड्रीम बॉय का, यार मैं इसको बचाने नहीं जा रहा यार, मेरे पास यही काम रह गया क्या सबको बचाने का, मैं इतना अच्छा, वेट अ सेकंड, ओके गाइस ओके, ड्रीम बॉय बेचारा भी इस वर्ल्ड में है नहीं, मेरे को इसके लाइब्रेरियन की प्रोटेक्शन करनी ही पड़ेगी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी भाई, वो मेरी वजह से गया बेचारा, मेरे को करनी ही पड़ेगी, हालांकि उसको डिजर्व करता रहा बाहर जाना, बट लाइब्रेरियन की मदद मुझे ही करनी पड़ेगी वरना ड्रीम बॉय इसको बचा देता। क्या यार दारू पी के साला कहीं पड़ा होगा, किंग गोडिन के चमचे के पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि इनको तो मैं अच्छे से निकाल दूंगा, लेकिन किंग गोडिन को कैसे पता चला कि उसके किंगडम उसके बंदों से मैंने पंगे लिए भाई, तो दिक्कत हो जाएगी, इनका मैं खात्मा करता। ए लाइब्रेरियन बाहर आ, लाइब्रेरियन भाई बाहर देख, बाहर देख स्पार्टी पाई आ चुका भाई, अरे बाहर आ बाहर आ बाहर आ, अरे बाहर आ यार, अरे तू बाहर आना भाई, रुको कुछ ब्लॉक्स निकालने दो मेरे को एक बार नीचे के लिए गाइस, आई हैव टू, आजा 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 आजा, ले 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 ले, तुम लोग मारोगे क्या ड्रीम बॉय को, लाइ पीछे देख पकौड़े, पीछे देख तेरा पिताजी का भी पिताजी आ चुका है, मैं तेरे तुम लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ समझे, कि तुम्हारा जो ये आजा मेरे पास, इसको मैं मारूंगा साला, तू मारेगा, तुम लोगों को मैं एक चीज बताने वाला हूँ, तुम्हारे किंग ऑर्डर के लिए काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बट द मेन थिंग इज फाड़ेगा तुम लोगों के सामने, मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी रिवील कर लेता हूँ, उसको तो मैं ही मारूंगा याद रखना ठीक है ना, बट तुम लोग उसको बता नहीं पाओगे कुछ, क्योंकि तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने, ओ फाड़ेगा बम फाड़ेगा, ड्राइवर ऊपर आइयो ठीक है, नीचे बताइयो, ओ देखो 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 देखो, ए भाई अच्छा मेरे को लगा मेरा वो फटाई थिंक टाइमिंग होगी, लाइब्रेन नीचे कुछ, लाइब्रेन नीचे कुछ, लाइब्रेन नीचे कुछ, इसको मैं मारता, इसको मारता, इसको मारता, इसको मारता, ये मरने वाला है बंदा, तू जाएगा बेटा, लाइब्रेन को मारेगा, लाइब्रेन को मारेगा, ओके और लाइब्रेन मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे, मैं तेरे को बचाऊंगा, मैं तेरे को बचाऊंगा ठीक है, टेंशन मत ले, ओ मेरे चिकर क्या, ओके थोड़ी सी दिक्कत है भाई यहाँ पे यारी वाली, आजा आजा मार 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 मार, मेरे को मार, तू मेरे को मार, आजा आजा आजा, अरे एक बाप के औलाद तो सामने लड़ना है, क्या लगा भाई इन फालतू के इससे मारने मेरे को है, खाना खाएगा बेटा मैं तेरे को फिर से बता रहा हूँ, किंग गोडिन के लिए काम कर रहा हूँ, बट उसको मारूंगा मैं ही लास्ट में, क्यों तेरे को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि तू उसको बताने लायक ही नहीं बचेगा, नीचे गिराएगा मेरे को नीचे गिराएगा भाई, तेरे खानदान में भी इतनी हिम्मत है स्मार्टी पाई को नीचे गिराने की, बच्चे भाग यहाँ से भाग, आजा भाई नीचे, कहाँ है तू लाइब्रेरियन बच्चू, वेर आर यू ब्रो, हाँ आजा 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 मैं यहाँ पे भाई, ओ माय गॉड, वैसे मेरे को थोड़ा भी डर नहीं लगा इन चमचों से लड़ते, भाई बच्चे है मेरे सामने यार, मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस, अभी भी दारू पी रहा है, अभी भी दारू पी रहा है यार तू, ये क्या पानी ऐसी दारू पी रहा, अच्छा महंगा ब्रांड पी रहा है, चल बढ़िया है भाई, देख मैं तेरी मदद इसलिए करी क्योंकि खैर छोड़ मैं तेको क्या ही डिटेल बताऊं यार, मैं निकलता हूं अभी, तो अपना ध्यान रखियो, इसके बाद ऐसी मुसीबत में ना पड़े ठीक है ना भाई, चल मैं निकलता अभी, वेट 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 रुक जा रुक जा रुक जा, ओ भाई ये बंदा मेरी मदद कर सकता है ना भाई, तेरे को मेरी मदद करनी, मना क्या कर रहा है, हेलो मैंने लाइब्रेरियन ब्रो मैंने आपको बचाया, वेट ये मना क्यों कर रहा है, अरे भाई क्या हो, मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा भाई, लाइब्रेरियन क्यों नहीं करेगा तू मेरा काम, ये कौन सी बात होती है भाई, है मैंने तेरे को बचाया अभी, तूने मेरे ड्रीम बॉय को मार डाला, व्हाट द हेल यार, तू कमाल कर रहा है भाई, भगवान इसको भी नहीं पता है, देख ऐसा है मैं ना, हाँ तू कोई बात नहीं भाई, तू मेरे से लड़ ले, कोई नहीं मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जो काम कराने वाला था वो ऐसे भी ड्रीम बॉय को बचाने के लिए ही था ठीक है ना, मैं खूनी हूँ कोई बात नहीं, मैं ड्रीम बॉय को बचाने के लिए काम करने जा रहा था, अब तुझे मेरी मदद नहीं करनी तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आई एम गोइंग ठीक है भाई, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, मैं जा रहा भाई यहाँ से है ना, ऐसी कोई बात नहीं, ओए रुको क्यों भाई, अब क्यों रुको मैं, क्या हो गया, व्हाट हैपन्ड भाई, मदद तो तूने करनी नहीं थी मेरी, मैं तो तेरी मदद कर दे तो खुद घर से है ना, सुनो एक बात, क्या बात सुनो भाई आपकी, मुझे बताओ क्या क्या कहना चाहते हो यार, है मैंने आपकी मदद करी, तुम खूनी हो
कोई बात नहीं, कोई चल मैं खूनी हूँ, मैं निकलता हूँ। मैं वैसे ड्रीम बॉय को बचाना चाहता रहा, बट अब अगर तू ही नहीं चाहता मैं उसको बचाऊँ तो मैं क्या करूँ यार। चल मैं निकलता फिर, है ना, अपना ध्यान रखियो भाई। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत जल्द मैं वापस आऊँगा, मिलता हूँ तुझसे, है ना भाई, कभी अगर हो पाए तो। चलो जल्दी बता ही दो। मान जा तू, है मान गया फाइनल, क्या काम है पर आखिर चल ठीक, कोई बात नहीं भाई। सुन, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करना है, ठीक है ना, एंड उस काम को करने के बाद ड्रीम बॉय वापस आ सकता है सर्वर पे बहुत इजीली। तो अब गौर से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, ठीक है ना भाई। ऑल राइट गाइस, तो लाइब्रेरियन साहब से मेरी बात हुई है, इन्होंने मेरे को एक पोटेंशियल सॉल्यूशन तो बता दिया इस चीज का कि हम लोग सूर्य देव को बड़ा कैसे कर सकते हैं। इन्होंने बोला ये काफी ज्यादा मुश्किल टास्क है बट आसान है अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा तो इन्होंने मुझे गाइस बताया ये, देखो क्या, क्योंकि क्या होता है दो तरीके से होते हैं, मैं तुम लोग को रियलिस्टिकली बताता हूं, या तो फिर गेम की कोडिंग चेंज कर लो, फालतू की चीज है जो कि है ना हम नहीं कर सकते, या तो फिर इन गेम हम लोगों को एक स्पेल की जरूरत पड़ने वाली। स्पेल समझते क्या होता है, स्पेल का मतलब होता है लाइक क्या बोलते हैं स्पेल को यार हिंदी में, चलो जो भी बोलते हैं तुम लोगों को पता है, स्पेल हम लोगों को बोलना पड़ेगा, हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड उस एक एंशिएंट स्पेल के दम पर हम लोग सूरज के साइज को, चांद के साइज को, हम लोग ओवरऑल अपने जो हमारा हिमलैंड का पूरा वर्ल्ड है इसके साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं उस स्पेल के दम पे। तो इन्होंने मेरे को बोला है कि वो जो स्पेल है वो एक बहुत ही अजीब सी अंडर वाटर सिटी टाइप जगह है, उसके अंदर ही मिल सकते हैं जो कि बहुत सीक्रेटली छुपाई हुई है, ठीक है ना। तो हम लोगों को वो चीज अगर लेकर आ वहां पर, अगर हम लोग पहुंच गए जैसे तैसे भी करके, तो वहां पर हम लोग उसको ढूंढ लेंगे, अगर ढूंढ पाए इसने बोला तो भाई उस स्पेल का इस्तेमाल करेगा तो इसको चेंज कर सकता है, इसके साइज को बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। तो इन्होंने मुझे बताया, लेकिन भाई एक गड़बड़ है, लाइब्रेरियन ने बताया कि भाई वहां पर पहुंचना इम्पॉसिबल है मेरे जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए, क्योंकि वहां पे बेसिकली इन्होंने बोला है कि वहां पे कुछ ऐसे ब्लॉक्स का इस्तेमाल हो जो दिखते नहीं है, लाइक हम लोगों को अपनी नॉर्मल आंखों से, माइनक्राफ्ट की नॉर्मल आंखों से नहीं दिख सकते वाले ब्लॉक्स। तो इसने बोला है कि वो अंडर वाटर सिटी है, अंडरग्राउंड होने वाली पूरी तरीके से, तो भाई वो दिखेगी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसके जैसे बंदों को दिख सकती है। और इसके जैसे बंदों का मतलब क्या है, जो बंदे बाबा जी की बूटी पीते हैं, मतलब बुढ़े लोग इंसान के पिछवाड़े को पीते हो तुम लोग, मतलब क्या है इस बात का, बाबा जी की बूटी क्या होती है भाई, सिर्फ उन्हें दिखता है, मतलब क्या है भाई इस बात का, बाबा जी की बूटी क्या है, बाबा जी की बूटी अबे साले, तू ये बोलना चाहता है कि अगर हम लोग इन गेम ये चीज को पिएंगे, तेरी इस दारू को पिएंगे, खंबा भाई खंबा, अगर खंबा पिएंगे तो वो स्पेशल ब्लॉक्स जो उस सिटी को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं वो हमको दिख जाएंगे और फिर हम लोग, ओके डूड काफी अजीब सी बात है ये, बट यार भाई देख क्या तुझे कर यार, तू साला जब जो बाबूजी की बुट्टी पीते हैं उन्हें ही सिर्फ दिखता रहे यार, भाई देखो नाम पीते नाम प्रमोट करते, लेकिन मतलब गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं अब यार, भाई तू मुझे कुछ और बता दे, अगर कुछ और हो सकता है तो यही रास्ता है, अरे यार भाई नहीं, ओके रुक जा मेरे को पकड़ा, जरा बॉटल्स पकड़ा, कितनी दे रहा है मेरे को यार, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9 दिया इन्होंने मेरे को, ओके दारू की बॉटल, नो इफेक्ट्स लिखा है भाई यहाँ पे, लिटरली नो इफेक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, देखो सिर्फ इतना काफी है, हो जाएगा काम, बस ड्रीम बॉय को वापस लाओ, डन है भाई डन है, मैं लेके आ जाऊंगा, एक सेकंड रुको गाइस मेरे को एक बार देखने दो, इसमें ना वैसे लिटरली यहाँ पे नो इफेक्ट लिखा हुआ है यार, तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि नो इफेक्ट क्या लिखा है, नहीं लाया ना तो मैं बदला लूंगा, अरे कोई नहीं भाई तो बदला ले लियो यार, हालांकि बदला बोला तो क्या ही लेगा, दारू पी के 24 घंटे पड़ा रहता है यार। इसने गाइस मुझे ना कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए हुए, बेसिकली इसने ये बोला है कि वो जो सिटी है वो किसी को दिखती ही नहीं है, वो जो स्पेशल ब्लॉक्स है वो सिर्फ इसको पीने के बाद हम लोगों को दिखने वाले हैं। इसका मतलब गाइस मेन बात पता है क्या, मैं तुम लोगों को मेन बात बताता हूं, बेसिकली गाइस इसने मुझे एक बात बताई थी, बेसिकली उसकी एक स्टोरी है, वो जो सिटी है ना वहां पर बहुत सारे एंशियंट स्पेल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो बेसिकली वो जो सिटी है क्योंकि वहाँ पे एंशियंट स्पेल्स का मतलब बहुत सारा इंटेलिजेंट लाइब्रेरियंस विजर्ड्स जो हमारे हिमलैंड्स के ना उन लोगों ने वो जगह बनाई थी अंडर वाटर छुपाई हुई जगह, तो ये चाहते नहीं थे कि कोई इजीली उसको देख सके। अब इसको कैसे पता है, क्योंकि इसने बहुत सारा स्टडी वगैरह करी है, तुम लोगों को पता है बहुत सारा पढ़ाई करता है बंदा, तो इसने एक जगह पे पढ़ा था इस चीज़ के बारे में कि भाई उन लाइब्रेरी वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो दिन भर दारू पी के भी पड़े रहते थे और रात को काम करते रहे, दैट्स व्हाई तुम लोग समझ रहे हो ना। तो बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि उनके जो बाबा जी की बूटी है ना सिर्फ इसको पीकर वाले ब्लॉक्स दिखेंगे। आई डोंट नो कि काम कैसे करते हैं, मैं फिलहाल के एक बार टेस्ट तो करने वाला हूं इस चीज को, एंड लेट्स सी कि कैसे काम करते, तो मुझे बस वहां पे जाना है एंड उस स्पेल का वहां से निकाल के सूरज के साइज को बड़ा करना है। भाई सुनने में आसान लग रहा है बट आई डोंट नो मैन, बहुत बड़ा है, एक बार मैं टेस्ट करता हूं इसको, है ना भाई मेरे को डर लग रहा है, मार्क का समय को डर लग रहा है, ओके एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, रुको 1, 2, 3 क्या हुआ, ओ होली शिट डूड भाई नशा लग रहा है, फेंको उसको, ओ माय गॉड ब्रो, ओ ये बंदा ऐसे कैसे,
हाय राम, मेरा सर घूम रहा है, मैंने गलत पी ली भाई ये। और जब हम लोग ओह माय गॉड ऐसे करके हमारा पर्सपेक्टिव इस वर्ल्ड को देखने का कैसा चेंज हो जाता है, ऐसा वो वाले मैजिकल ब्लॉक्स हमको दिख जाएंगे शायद से। भाई मेरा सर घूम रहा है, जब तक इसका नशा उतरता नहीं मैं अभी रुकने वाला गाइस एक ही जगह पर, ठीक है ना। थोड़ा बस मैं खाना खा लेता हूँ, मैं एक ही जगह पर रुकने वाला हूँ अभी एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई मैं ना चक्कर खा के मर जाऊंगा भी यहाँ पे, इतना बेकार है भाई अभी गेम यहाँ पे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। फाइनली भाई कम से कम 3.5 से 4 मिनट के बाद ये फेंक गया है भाई साहब, नशा लग गया था भाई गेम के अंदर, छी यार ब्रो। ओके अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं उस कोऑर्डिनेट पे जाता हूँ और उस जगह को ढूंढते गए अच्छे तरीके से एंड लेट्स होप कि वो जगह मिल जाए, एंशिएंट स्पेल काम कर जाए और ये बड़ा हो जाए यार मेरे को क्वीन जैस्मिन। गाइस जैसे टाइम बीता है क्वीन जैस्मिन बहुत ही ज़्यादा फास्ट 70,000 ब्लॉक्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके उस टिम्बक्तू नाम की एंशियंट सिविलाइजेशन को ढूंढने जा रही है, क्या फालतू है भाई कसम से। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैं आ चुका हूँ उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं पर मुझे लाइब्रेरी ने बोला था कि वो स्पेशल ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है उस सीक्रेट जगह को बनाने के लिए। हालांकि उसने मुझे बोला था अंडर वाटर है, बट बेटा यहाँ तो पानी एकदम लाइक उसने मुझे अंडर ओशियन बोला था, बट यहाँ तो नॉर्मल से पानी है, कोई अंडर ओशियन तो नहीं है भाई साहब यहाँ पे, कोई आसपास कोई भी ओशियन नहीं लिटरली। बाय द वे उसने मुझे कहा स्पेल के बारे में एक दो चीजें बोली है, उसने मुझे बोला है कि वो जो स्पेल है ना उससे हम लोग कोई भी जादुई काम करवा सकते हैं जो लाइक हमारे लिए माइनक्राफ्ट के कोड को तोड़कर करना पॉसिबल हो सकता है, लाइक सूरज के साइज को बड़ा करना, जो कि हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। एंड वो जो एंशिएंट स्पेल है गाइस वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। एंड उसने मुझे बोला है कि भाई वो जो जगह है ना, जब हम लोग उस जगह पे जाएंगे तो वो जगह मेक श्योर करने वाली है कि वो हमें रोके अंदर जाने से, उसके लिए वो कोई भी इल्यूजन या कुछ भी क्रिएट कर सकती है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो गाइस मैं उस कोऑर्डिनेट पे आ चुका हूं, मैं दारू की बॉटल एक बार पीने वाला हूं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो देखते हैं जरा भाई, मुझे दिखना स्टार्ट होता है। ओके मेरा सर घूमना स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे पता चल रहा है कि रियल लाइफ में लोगों को कैसा लगता होगा। भाई साला ये दारू की बोतल किसी काम कर रही है, खाली बोतल है, इसको फेंक देता हूं मैं। एंड भाई फिलहाल को मेरे को कोई भी ब्लॉक्स दिख नहीं रहे। उसने बोला इसको इस स्पेशल बाबा जी की बूटी को पीने के बाद हम लोगों को वो सारे के सारे ब्लॉक्स, स्पेशल ब्लॉक्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मुझे गाइस अभी यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है ना, दिस मीन्स अभी हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पे सही जगह पे पहुंचे एक्चुअल में है नहीं है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे के लिए चलते जरा यहाँ से एक बारी, मे भी हो सकता है हम लोगों को वो आगे दिख जाए कहीं पे, है ना। लेट्स सी। ओ ओ यू, मुझे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। ओके डूड्स, ओ माय गुडनेस, ये तो बहुत बड़ी जगह है, आगे तक जा रही है। नीचे तुम लोग इन ब्लॉक्स को देख भाई, एक तो मैंने ऑप्टिफाइन नहीं डाला, मैं तुम लोग को जूम करके दिखाता भाई। ये बहुत ही अलग टाइप का, लाइक लाल नीला और हरे हरे टाइप के ब्लॉक्स भी है एक्चुअल में यहाँ पे। ओके डूड, ओ गाइस एक बात बोलू, देखो आगे के लिए गायब हो गया पर यहाँ देखो पानी के बीच में है। इस पर्टिकुलर पानी की बात तो रुको एक बारी गाइस, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बहुत सारे पहले अपने डोर्स वगैरह बनाता हूँ, ठीक है गाइस। डोर्स मैंने अपने लिए बहुत सारे बना दिए हैं, ना आई एम जस्ट गोना गो डाउन नाउ, नीचे के लिए मैं जाने वाला यहाँ से कहीं से, ओके। और मैं मरने वाला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं ऊपर से नीचे आ गया, ऑलमोस्ट मरने वाला था लेकिन चलो ठीक है, जान तो बची। गाइस ये क्या है, ये है क्या भाई, हेलो, कितने सारे ब्लॉक्स का, मुझे ना लिटरली कुछ और दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मुझे लिटरली कुछ और नहीं दिख रहा यहाँ पे भाई, हेलो, ये सारे के सारे स्पेशल ब्लॉक्स। एंड बाय द वे साला दारू की बाटली का मेरा जो इफेक्ट है वो भी खत्म हो चुका है, बाबा जी की बूटी काम करना बंद कर गई है, बट स्टिल आई कैन सी ऑल दीज ब्लॉक्स। ओके आई थिंक गाइस व्हाट आई हैव टू डू इज कि मेरे को बस यहाँ से आगे आके जाते रहना है, क्योंकि आगे के लिए लाल वाले जो ब्लॉक्स है इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आगे आगे के लिए जाने वाला हूँ और बस एक ही काम करने वाला हूँ, जो कि है होप करता हूँ कि वो सीक्रेट जगह मुझे मिल जाए। भाई इट वॉज इम्पॉसिबल यार, इन ब्लॉक्स को नॉर्मल आंखों से देखना इम्पॉसिबल था, साला एक बार बाबू जी की बूटी का पीली मैंने, मुझे सारे के सारे चीजें दिखने स्टार्ट हो गए यार। आई थिंक दैट्स वाई माइनक्राफ्ट के अंदर जो साला ड्रीम बॉय का ये लाइब्रेरियन है बहुत ज्यादा ये दारू वगैरह पी रहा होता है ना, इसको बहुत सारी दिव्य चीजें दिख रही होती है इसलिए। ओ माय गॉड, मैं एक्चुअल में एक केव के अंदर हूं अभी भाई, ये बहुत ट्रिपी लग रहा है, मेरा सर चकरा रहा है एक्चुअल में, टू बी ऑनेस्ट गाइस। एंड लेट्स सी कि ये जो दारू की बाटली है इसका कितनी देर तक हमारा ये इफेक्ट रहता है। और बाय द वे गाइस सिर्फ और सिर्फ एक दारू की बाटली बची है मेरे पास, बाकी सारी मैं रास्ते में पीते पीते है, मुझे मजा आ रहा था एक्चुअल में चलते चलते ना, ऐसे सर घुमा घुमा के चलना। आई नो इट्स अ वेरी बैड थिंग बट स्टिल भाई मजा आ रहा था, तो क्या कर सकते। चलो एक काम करते हैं, नीचे नीचे के लिए चलना स्टार्ट करते हैं। एंड आई डोंट नो गाइस कि मुझे लाल वालों का पीछा करना चाहिए या फिर नीले वालों का पीछा करना चाहिए।
उस पर्टिकुलर कोने में गए तुम लोग देख सकते हो वहां पे नीले की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। आई थिंक मुझे वहां पर चलना चाहिए फटाफट। यो 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 ब्रो, मैं अभी सामने की साइड खोदते हुए जा रहा हूँ, लेकिन भाई वो दिखना बंद हो गया, वो सारे के सारे ब्लॉक दिखने बंद हो गए। दारू दी बॉटल पियो भाई एक बारी जल्दी जल्दी, लगा कि नहीं लगा कुछ। हाँ देखो मेरी स्क्रीन घूमनी स्टार्ट हो चुकी है, बट मुझे एक भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है। सामने वाला साला एक भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल? ओ माई गॉड, रुको, मैं आगे के लिए जाने वाला हूँ। सेम डायरेक्शन है यही वाली, इसी डायरेक्शन में मैं खोद के जा रहा था इससे पहले, एंड सडनली मुझे सारे ब्लॉक दिखना बंद हो गए। आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है। मैं फटाफट आगे के लिए जाने वाला, चल 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 स्मार्टी, कम ऑन डूड। व्हाट, एक सेकंड रुको, ये मैं कहां पे आ गया हूं? हैं, होली शिट, क्या है सामने? ओके डूड्स, हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पे एक्चुअल में पहुंच चुके हैं। और ओ माई गॉड, यू भाई प्लीज, पहले तो ये मेरे सामने सबको हिलना बंद हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। गाइज वी आर हेयर डूड्स, हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं। ओ माई गॉड, वेट, यस आई थिंक ये वही जगह है जिसकी बात हमारा लाइब्रेरियन कर रहा। वेट, ये कैसी आवाज आ रही है? ड्रीम बॉय को क्यों मारा मेरे को, जरा बताओगे? है? इसके अंदर जाओगे तो वापस नहीं आ पाऊंगा मैं, समझ रहे हो मेरी ये गहरी बात? अपनी गहरी ब्रो डालो, और ड्रीम साला ये ड्रीम बॉय की आवाज है, सच बताओ। और इसके अंदर हाँ, ये एक्चुअल में आप दरिंदे हो। रुक जा, मैं ना मरने वाला भी यहाँ पे करी, मैं इसको एक बारी नीचे लगा के यहाँ बैठने वाला हूँ। और मेरा सारा दारू का इफेक्ट खत्म हो गया, दारू का इफेक्ट खत्म हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाई तुम लोग आवाज सुनाई थी, ये ड्रीम बॉय की आवाज थी। ये क्या क्या भूल गया बंदा कि आपकी वजह से मैं मर गया, अगर आप यहां से अंदर गए तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा हिमलैंड्स के अंदर, इसका क्या मतलब हुआ? वेट, आर यू श्योर? यार ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं यहां पर अगर अंदर गया तो ड्रीम बॉय एक्चुअली वापस नहीं आ पाएगा? मुझे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई थी ड्रीम बॉय की, अजीब सी आवाजें थी भाई ये, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अंदर जाऊं और उस मैजिक स्पेल को निकाल के लाऊं जिससे मैं सूरज को बड़ा करूं, अदरवाइज सीन हो जाएगा भाई। ओके गाइस, आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ इस वक्त यार। भाई तू चल यहाँ से स्मार्टी, कुछ नहीं होता भाई, देखी जाएगी भाड़ में जाए सब कुछ यहाँ पे। आई एम गोना गो इनसाइड भाई साहब एक्चुअल में यार। और ये पानी कितना ज्यादा गहरा है, अरे ऐसा कैसे हो सकता भाई? वाई लेवल मेरा 5960 है, मैं तो अभी जमीन से ऊपर हूँ, और जमीन से ऊपर मैं अभी जस्ट गुफा से अंदर से बाहर आया। 78-82 लेवल पर भी पानी है यहाँ पे। ओ माई गॉड, ये एक्चुअल में कोई सीक्रेट जगह पे हम लोग आ चुके। चल भाई काम करते, नीचे के लिए चलते हैं। गाइस आई डोंट नो मैन, मुझे भी ड्रीम बॉय की आवाज तो सुनाई दी, बट बाहर में जाए भाई सब कुछ, मुझे एक काम करना पड़ेगा। जाने वाले चले गए हैं गाइस, बट अभी जो बचे हुए सर्वर के ऊपर उनको बचाना मेरा फर्ज है। और मैं यहाँ पर अभी, ओ होली शिट डूड, वेट ये कैसी आवाज आ रही है? सुनो तुम लोग, है What? बहुत वियर्ड सी बात है ये साला, यहाँ पे बाहर ड्रीम बॉय की आवाज सुनाई दी अजीब सी, और यहाँ पर किसी अलग ही बंदे की आवाज आ रही कुछ अजीब से, क्या? वेट, पहले तो मैं यहाँ पे साइड में कोई दरवाजा लगाने वाला हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे खड़े खड़े सुनते जरा इस आवाज को। ओके सुनो जरा एक बारी, सेक्टम सेम्प्रा बोल रहा है। सेक्टम सेम्प्रा का मतलब क्या होता है? ये क्यों है यहाँ पर सेक्टम सेम्प्रा? भाई मुझे डर लग रहा है अभी एक्चुअली में, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। और साला तुमको ऐसा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा है कि सेक्टम सेम्प्रा मैं बोल रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज में आ रही है चीज। ओ माई गॉड भाई, ये ना बहुत ही वियर्ड वाली बातें हो चुकी है। हमारा हिमलैंड के अंदर क्या चल रहा है भाई आजकल ये? ओ वेट, नीचे के लिए जगह जा रही हूँ। रुको, अभी नहीं जाऊंगा, एक बारी आसपास अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। चेस्ट वगैरह के अंदर का कुछ गलती से हमें मिल गया तो कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। ओके डूड्स, आई थिंक गाइस वी शुड गो यार, टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, हम लोग को सूरज को बड़ा करना है। वेट, कहीं यही तो नहीं है मैजिक स्पेल हमारा? सेक्टम सेम्प्रा, सेक्टम
सेम्प्रा, ये मैंने नीचे लिखा बट इसका मतलब क्या होता है? हाउ विल आई नो ब्रो? आई डोंट नो एक बार मैं नीचे जाने वाला यहाँ पर क्या जो भी है जगह। हाय हाय, कोई ट्रैप ना हो यार फालतू का, मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता अब यार, ये फालतू वाली हरकत हो जाएगी कसम से। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ये एंडिंग पे आ चुकी है ये टनल। ओ वेट 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 आओ, अच्छा वहां पर अच्छे तो ये तो बेसिक्स आ लो मेरे बेटे। ओ मेरे को मारोगे तुम लोग, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते पकौड़े ऐसे। अबे ये क्रेटी में खड़ा है, ये मर नहीं रहा है। होली शिट, मर नहीं रहा बंदा। गाइस अगर मेरे पास ये ओपी आर्मर नहीं होता तो इट वाज इम्पॉसिबल इस जगह को पार करके आगे जाना, मैं 2-3 फटके में मर सकता था। ओह माय गॉड, इस जगह की बहुत ही ज्यादा तगड़े वाली प्रोटेक्शन लगाई हुई है। माय गॉड, कोई भी आम आदमी इस जगह को पार ही नहीं कर सकता है। तुम लोग यकीन करके जाने को, ये दिख रही है ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, जो भी है इतना सारा प्रोटेक्शन एक्स लगा हुआ है, जो ये इन्फिनिटी होता है। दैट्स व्हाई मैं बचा हूं, अगर मैं कोई नॉर्मल आर्मर के साथ तो मैं 3 फटके में मर जाता। ओ माय गॉड, क्या नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी है इस जगह की। ऑल राइट, अभी हम देखो इसका एक साला ट्रायंड कहां तक उड़ के आया हुआ है। और नो, ये ऊंचे वाले दरवाजे लग रहे हैं मेरे को यार, इम्पॉसिबल, ये टूट के तो जाएगा नहीं। और कोई भी चीज ऑफ कोर्स मैं प्लेस नहीं कर सकता हूं। वी हैव टू फाइंड द राइट बटन नाउ। हे माय गॉड ब्रो, ये चीज सबसे ज्यादा अनॉइंग होती है। इनफैक्ट मैं समझ गया गाइस, देखो ऐसी टाइप की जगह पे क्या होता है, एक ऐसी जगह पे बटन दिया होगा जो हम लोग कभी दबाएंगे नहीं, सबसे लास्ट में दबाएंगे। जैसे कि ये हो गया ऊपर वाली लेयर, सारी की सारी जो ऊपर वाली लेयर है, मैं सारी की सारी ऊपर वाली लेयर्स के बटन्स को दबाने वाला हूं, ऐसे करके। खुल जा प्लीज, खुल जा प्लीज, खुल जा प्लीज, समय की बहुत ज्यादा कमी है भाई, नहीं खुल रही है। यहाँ से तू डायरेक्ट छलांग मार दे भाई, आ जा। और इस साइड से जाएंगे अभी हम लोग गाइस, और इसको नहीं हुआ नहीं। ओ माय गॉड, डोंट टेल मी कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगने वाला है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। ओ माय गॉड, फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा गाइस इस जगह को। यो ओके डूड्स, दिस इज द रियलिटी नाउ। ओ माय गुड ब्रो, साइड में क्या आ रही है? साला ब्लीडिंग, मेरा खून निकल रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर कहीं पर ये वाला कांड होने वाला, यहाँ पर वो स्पेल। वेट, साला दरवाजा बंद हो गया। ओके डूड्स, नाउ आई थिंक वी आर स्टक हियर। मैं फटाफट यहाँ पे ढूंढने की ट्राई करता हूँ, मे बी हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा हिंट हो जिस हिंट के साथ हम लोगों को काम करना है। आई डोंट नो मैन, ये क्या जगह, ऊपर चेस्ट वगैरह बहुत सारी दी हुई है, यहाँ पर वो मैजिक स्पेल हमें कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? और ये वाली हमारी आखिरी चेस्ट, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। मैंने कहा नीचे वाली चेस्ट सारी चेक कर दी है, ऊपर वाली चेस्टों को मैं चेक ही नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ। साला ये अजीब सी चीज है यार, इसको मैं मारूंगा तो तब भी। ओ वेट, मेरे पास पर्ल्स पड़ी हुई है ना, बट सिर्फ और सिर्फ 3 पर्ल्स है मेरे पास। ओके, इससे कुछ नहीं हुआ, ऊपर मारेंगे। ओ ये लेट्स गो, कुछ नहीं है चेस्ट के अंदर भी, कुछ भी नहीं है भाई। रुको, एक आखिरी है, इसको मैं वहां पे मारूंगा एंड इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो 2 मैंने चेक कर दी। ओ वेट अ सेकंड, व्हाट, ये क्या पोज में लेटा हूँ भाई मैं। हेलो, चलो एक चीज तो बड़ी होगी, मैंने चेक कर दिया है गाइस, इन चेस्टों के अंदर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो उसके अंदर भी ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा ना यार। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ओ वेट, मैंने इससे पहले सेक्टम सेम्परा वहां पर बोला, ये कैसी आवाज थी? वेट, ओह जैसे मैंने स्पेल का नाम लिया, मुझे एक्चुअल में लग रहा था जो ये है ना, ये चीज है शायद वो स्पेल हो सकता है, बट अगर ये स्पेल है तो इसका इस्तेमाल मैं कैसे करने वाला हूं? हैं? ओके, सेक्टम सेम्परा। यू, व्हाट द हेल, सेक्टम सेम्परा, व्हाट, होली शिट डूड, सेक्टम सेम्परा, लड़की के चीखने की आवाज आई मेरे को यहाँ पे। ओके, जैसे ही मैं इसका नाम ले रहा हूं, यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ी होनी स्टार्ट हुई है भाई। मैं खाना खा के रखने वाला हूँ, Because I don't want यहाँ पर कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो रहा है यार। ये क्या मैजिक स्पेल है, ये क्या है ये? अगेन बोलना पड़ेगा भाई, बस मरू ना मैं यहाँ पे। सेक्टम सेम्परा, भाई हर बार कुछ अलग आवाज सुनाई दे रही है। सेक्टम सेम्परा, फिर से हुआ, सेक्टम सेम्परा, भाई अजीब सा लग रहा है मेरे को। इस बार कुछ ओके, इस बार कोई साउंड इफेक्ट नहीं आया, बट
ऊपर से गिरी है। ऊपर से गिरा क्या है ये? सीक्रेट स्पेल। ओ माय गॉड, ये लल जक जल्यू थ 845 ज 4 हग 1 ज 2 वट यट 5 7 6 5 1। ये क्या है ब्रो? आई एम सो कंफ्यूज्ड। साला ये सीक्रेट स्पेल क्या है? रुके एक बारी और बोलता। सेक्टम सेम्परा। साला कुछ भी नहीं हो रहा है, अब कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। ओके आई एम सो कंफ्यूज्ड। साला सीक्रेट स्पेल कहां से आया और ये चल क्या रहा है? भाई ये कैसा सीक्रेट स्पेल है, इसको मैं इस्तेमाल कहां करूंगा? यहां पे कुछ ब्रो, ये बुढ़िया दादी है कोई? आप कौन हो और इतनी एंशिएंट सीक्रेट जग? वेट, क्या ये सीक्रेट स्पेल आपने फेंका ऊपर से मेरे लिए? ओके यार आप हो भाई, बुढ़िया यहाँ पर क्या करे इस जगह पे, इतने एंशिएंट जगह पे? ब्रो आई एम सो कंफ्यूज्ड यार, क्या आप? ओके देखो देखो मेरी बात सुनो प्लीज, लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं लड़ने नहीं आया हूँ यहाँ पे। अगर ये जगह आपकी है और आपको कोई भी आपत्ति है ना मुझसे, भाई मैं अभी और इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने ऑलरेडी हिमलैंड्स के अंदर बहुत गड़बड़े कर दी है, मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया, मेरे बहुत सारे जो करीबी दोस्त है सब मर चुके हैं। मैं बिल्कुल भी अब और रिस्क नहीं चाहता, लड़ना तो मैं चाहता ही नहीं हूँ। अगर आपको कोई भी आपत्ति है ना मुझसे, मैं चला जाऊंगा अभी और इस जगह को छोड़ के। मैं गाइस कोई और तरीका ढूंढ लूंगा सूरज को बड़ा करने का, बट अगर मैं बस कोई बार मारा माथा पच्ची नहीं चाहता यहाँ पे, कोई मारा मारी नहीं चाहता। आई एम सो सॉरी, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मुझसे बात करो, अदरवाइज मैं चला जाऊंगा यहाँ से 110% यार। मैं किसी को गाइस अब और कष्ट नहीं देना चाहता हिमलैंड्स के अंदर यार, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़े कर दी। ड्रीम बॉय भी जा चुका यार, मुझे बहुत दुख है उस बात का। बाय द वे अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं इविल बन चुका था ज्यादा, प्लीज मेरी मदद कर लो यार, या तो फिर मुझे जाने के लिए बोल सकते हो। मैं चला जाऊंगा यहाँ से आराम से। ऑल राइट गाइस, तो मेरी इनसे बात हो चुकी है। ये एक्चुअली पता कौन है? ये इस सीक्रेट स्पेल के कीपर है। बेसिकली तुम लोग के मान के चल लो, इन्होंने 5000 साल से इस सीक्रेट स्पेल को सुरक्षित रखा हुआ था। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग आए इस इन्फॉर्मेशन को निकाल कर कि यहाँ पर एक सीक्रेट स्पेल है, बट वो लोग इस सीक्रेट स्पेल को कभी पा नहीं पाए। क्यों? तुम लोग को पता है क्यों गाइस? ये दिख रहा सामने जो सेक्टम सेम्परा है ना, ये एक बहुत ही सीक्रेट कोड था जो कि हर एक इंसान को सुनाई नहीं देता है। तुम लोग गाइस दोबारा से इस क्लिप को सुनो। सेक्टम सेम्परा, ये जो सेक्टम सेम्परा मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे मेरी ही आवाज में सुनाई दे रहा है। इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ एक ऑनेस्ट आदमी जो किसी मजबूरी में यहाँ पर आया होगा इस स्पेल के लिए, से उसी को सुनाई देगा। अगर अपने लालच के लिए कोई आएगा दुनिया पे कब्जा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, स्पेल को हासिल करने के लिए, तो भाई उसको वो कोड वर्ड ही सुनाई नहीं देगा। एंड ये सेक्टम सीक्रेट स्पेल को निकालना इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो इनको पता चला कि भाई मैं एक बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ। एंड गाइस तुम लोगों को भी यहाँ से लग चुका होगा पता, अगर ये 5000 साल पुरानी बूढ़ी दादी बोल सकते हैं तो तुम लोग भी मान सकते हो कि भाई मेरा दिल एकदम साफ है। इन्होंने बोला है कि ये मेरी मदद करने के लिए तैयार है। लो यार मुझे तो इस स्पेल का इस्तेमाल करना आता नहीं, इन्होंने बोला कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगी और मैं तेरा काम भी करूंगी। बट गाइस इन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें और बोली यार। इन्होंने मुझे बोला कि जो मैं ये काम करने की ट्राई कर रहा हूँ सूरज को बड़ा करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बट क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतना आगे तक पहुँचा, तो मेरी मजबूरी है गाइस। तो भाई ये मजबूरी की वजह से इन्होंने मेरी मदद करने के लिए हाँ कर दिया। इन्होंने मुझे बोला है कि जहाँ पर मैं सेंटर में काम करूँगी उसके नज़दीक मुझे जाना पड़ेगा, उसके रेडियस अगर मैं बाहर जाऊँगा तो ये काम नहीं करने वाला, बट मैं इसके नज़दीक तो मैं जा होली शिट डूड, सब कुछ गायब हो गया। हाउ आर यू डूइंग दिस? पता नहीं कैसे करे, बट अभी गाइस यहाँ पर सब कुछ होने वाला। ओके और इन्होंने गाइस मुझे बोला है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजर चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ऑल राइट, ये स्पेल वाली चीज अंदर जा चुकी है, कैसे करोगे? ओ माय, व्हाट इज दिस डूड, ये क्या है आपके हाथ में? होली शिट, ओके ठीक है भाई, जो भी चीज है आप करो, मैं तैयार हूँ हर एक चीज के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इन्होंने बाद में मुझे एक सजेशन दी थी कि जो मैं सूरज बड़ा करने वाला, इससे ना बहुत सारी चीजें हो सकती। ओ ये क्या, ये क्या मेरे को यहाँ पर? ओ सबको नीचे के लिए जा रहा है, मैं जाने वालों में मर रहा हूँ शायद से। ओके ओके
ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं नीचे गिर गया हूँ। कृपया करके मुझे बाहर निकालिए यहाँ से आप। मेरे को डर लग रहा है दादी अम्मा। हुआ कि नहीं हुआ यार, आई डोंट नो मैन। ओके, कहाँ पे फंस गए भाई हम लोग ये। मैं ऊपर के लिए पानी लगा, अरे मैं फाइनली पानी लगा पा रहा जगह पे। मैं ऊपर आ रहा एक बार दादी, दो सेकंड वेट करो। हाँ फाइनली आई एम हियर। ओ ये क्या निकल रहा है दादी। ओके मैं खाना खाता रहूंगा, आप कंटिन्यू करते रहो उसको, कंटिन्यू करते रहो उसको, कुछ नहीं होगा मेरे को, कुछ नहीं होगा मेरे को, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। Bro, this is so scary actually यार। भाई मेरे को कंटिन्यूसली मरे जा रहा हूं मैं। हुआ कि नहीं हुआ भाई मुझे बताओ जरा एक बारी। ओह हुआ, हो गया, आर यू श्योर हो गया भाई। ये जब ये रेडियस जैसी अजीब सी नीली चीज निकली, आई थिंक इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। सब कुछ सेफ है दादी अम्मा, इन्होंने गाइस मुझे बोला है कि सीक्रेट स्पेल का जो असर है ये ओवरऑल, ओ भाई सीक्रेट स्पेल लिटरली मेरी इन्वेंटरी तक में आ चुका है भाई साहब। भाई मैं इसको आपके पास फेंक रहा हूँ दोबारा से, एंड आई थिंक ये रीयूजेबल है। इन्होंने मुझे बोला है कि इसका जो असर वो 4 घंटे तक रहने वाला है, बट इसके बहुत ही बुरे कंसिक्वेंस होने वाले हैं क्योंकि मैं मजबूरी में यहाँ तक आया हूँ गाइस, तो ये समझती है इस चीज को, दैट्स व्हाई इन्होंने मेरी मदद करी है। और भाई अभी मैं बाहर जाके एक बार देखने वाला भाई, फाइनली इसका काम हो चुका ब्रो। ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात है ऑनेस्टली, पर मैं बाहर निकलूंगा कैसे भाई यहाँ से। हेलो हाउ एम आई गोइंग टू गो आउट ब्रो फ्रॉम दिस साइड, मैं तो अटक गया हूँ यहाँ पे। ओ खुल गया अपना बेटी का, मैं बाहर जा रहा हूँ एक बारी, लेट्स गो आउट एंड चेक कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। चलो भाई साले सारे के सारे बंदे भी यहाँ पे गायब करवा दे दादी जी ने हमारे लिए। चलो लेट्स गो आउट गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, यस वी आर गोइंग टू गेट आउट नाउ। ऑलमोस्ट हम लोग बाहर आ चुके। ओ माय गॉड ये क्या हुआ। ओके मैं डर गया था एकदम। क्या लेकिन गाइस हमारा काम हो गया है साला भाई, सूरज हम लोगों ने बड़ा कर दिया। ओ माय गॉड भाई इसका साइज लिटरली 10 गुना। वेट इसको आग क्यों लग रही है, ये जल क्यों रहा है, एक सेकंड रुको इसका काम। ओ मुझे आग लग रही है, मुझे आग लग रही है, मुझे आग लग रही है। व्हाट ओ माय गॉड वहां पे देखो विलेजर्स को आग लग रही है, जस्ट बिकॉज मैंने सूरज का साइज बड़ा कर दिया है हम लोगों को आग लगने वाली है। ओके एक बार अंदर चल। और यहाँ डूड्स जैसे ही हम लोग आग इससे दूर जाते हैं, लाइक देखो छाया में गया बच गया, यहाँ जाऊंगा आग लगेगी, यहाँ जाऊंगा बच जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा आग लगेगी, यहाँ जाऊंगा बच जाऊंगा। ब्रो दिस इज सो अनोइंग, ये बहुत अनोइंग होने वाला हमारे लिए। ओ माय गॉड बट गाइस हम लोगों ने सूर्य का साइज बड़ा कर दिया, एटलीस्ट हम लोगों ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर दिया है। आई एम सो हैप्पी। ओ माय गॉड भाई साहब दिमाग की धई हो गई थी मेरी, नहीं तो भाई अगर ये चीज मैं नहीं कर पाता तो होली शिट डूड भाई। अरे रुको 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 रुको, लेट्स डू वन थिंग गाइस, तेरे को मैं अभी गेड़ा मारूंगा ऐसे तो मुझे पका पकाया खाना मिलेगा। अरे पका हुआ खाना भी नहीं मिला यार, कमाल है भाई। कोई बात नहीं गाइस, हम लोगों को अभी यहाँ पर पके हुए खाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत एक्चुअल में पड़ने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा अनोइंग होने वाला हम लोगों के लिए। ओ माय गॉड इसमें क्या पे बहुत सारा हेबेल है, अपने लिए ब्रेड वगैरह भी निकाल कर रख देते हैं बहुत सारी। ओके 4 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ेगा सूरज का, पता नहीं क्यों भाई उस किंग ओडिन ने मुझसे सूर्य का साइज बड़ा करवाया, पता नहीं क्यों, क्या राज है भाई इस बात का, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलने वाला भाई। ओके चलो अब मैं सेफ हूँ और अब मैं यहाँ पर अपने लिए फाइनली बहुत सारी ब्रेड्स भी बना सकता हूँ ऐसे करके और ऐसे करके। 48 आ चुके हैं, नाइस वन ड्यूड्स। ओ माय गॉड सारे के सारे विलेजर जल रहे भाई, पर क्या कर सकते हैं भाई, मेरी गलती नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ हमारे किंग ओडिन की गलती है, ठीक है भाई, मेरे को कोई ब्लेम नहीं करेगा यहाँ पे, ये बिल्कुल भी मेरी गलती नहीं है भाई। पर गाइस कुछ भी बोलो यार, इस तरीके से माइनक्राफ्ट क्या तगड़ा लगता है, ऐसा लग रहा है व्हाइट जैसी पूरी की पूरी स्क्रीन डाल के आया। अबे अब ये 3 लंगूर कॉल आ गए, व्हाट साले इनको भी आग लगी हुई है। ओके ये मेरे दोस्तों नहीं है, नहीं दोस्तों नहीं, अबे ये पता नहीं कौन है, अबे ये मेरी तरफ आ रहे, नहीं भाई अभी क्यों जिंदगी में तुम लोगों के पास अभी आना था क्या भाई, 4 घंटे के बाद आते, 5 घंटे के बाद आते यार,
हे भगवान, मैं यहाँ पे जल जल के मर गया, पानी को जाना पड़ेगा। या गाइस, इसके बाद मैंने अगले आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम तक इन तीन बंदों से फाइट करी है इस जलते हुए सूरज के बीच में। बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, बहुत ज्यादा परेशानी आई, बट फाइनली मैं नीचे जमीन के नीचे घुसना पड़ा मुझे इनसे फाइट करने के लिए। एंड एक बहुत ही बड़े महायुद्ध के बाद फाइनली इन दी एंड इन तीन में से किसी एक बंदे को मैंने मारा। और जैसे ही मैंने मारा, वहां पर एक बहुत ही तगड़े वाला इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो गया। भाई चेक दिस आउट, बेटा तुम्हारा ये दोस्त तो गया। ओहो 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 ओहो, दूसरा भी आ गया। भाई क्यों मरना चाहते हो सारे के सारे मिल बांट के? गया ये, गए ये, बचेगा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेट्स गो। अबे सालो, तुम लोग तो विलन नहीं हो, दुख बना रहे दोस्त का। अबे तुम लोग कौन हो? तुम वेट, ओए हेलो भाई, ये लोग विलन नहीं हो सकता। अगर ये लोग मुझे मारने के लिए स्पेशल आए होते तो सिर्फ इनका एक दोस्त मरा, ये लोग साइड में ऐसे दुखी नहीं होते। भाई तुम लोग अपने हेलमेट उतार के मुझे शक्ल तो दिखाओ एक बार, कौन हो भाई तुम लोग, हो कौन? भाई मैं नहीं जानता इस बंदे को, मैं नहीं जानता हूँ, तू कौन है भाई? तुम लोग अपने अपने मास्क तो उतारो एक बारी, मास्क लगाए, दोनों के दोनों ने मास्क लगाए हुए हैं। तुम लोग हो कौन? भाई मुझे लगा कोई लड़की है, ये लड़की है माँ कसम, ये पता नहीं कौन है। अबे तुम लोग वेट, तुम लोग यहाँ पे मुझे मारने नहीं आए थे क्या? क्या मारने आए थे मुझे? मारने तो सालो मेरे पीछे इतनी देर से लेके क्यों पड़े, आधा घंटा हो गया। भाई कौन हो भाई तुम लोग, मुझे बताओ जरा। ऑल राइट गाइस, तो मैंने इन दोनों से बात करी। भाई तुम लोग यकीन करना गाइस, मुझसे ना एक और बहुत बड़ी गलती हो चुकी है यार। इन्होंने मुझे बोला है कि ये हमारे हिमलैंड के किसी और यूनिवर्स से आए हुए हैं मेरी एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने के लिए। तो गाइस बेसिकली इनके यूनिवर्स के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। इन लोगों जो ये मास्क वगैरह लगाए हुए हैं ना, ये इसलिए लगाए हुए क्योंकि वहाँ का जो स्मार्टी पाई है उसने अपने एक मिशन के दौरान सूरज के साइज को बड़ा किया और 4 घंटों के लिए छोड़ दिया, जिस वजह से गाइस क्या हुआ, वहाँ पे पूरा का पूरा इंग्लैंड में हर एक इंसान, हर एक घर, हर एक जानवर जल के मर गया और इन लोगों को छोड़ना पड़ा। तो बेसिकली ये हमारे इस यूनिवर्स में थे जो सबसे नज़दीकी यूनिवर्स से हमें बचाने के लिए और मुझे रोकने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू देम, अगर उस सूरज को हम लोगों ने अभी सही शेप में नहीं लाया ना, तो भाई अगले, अभी आधा घंटा बीत चुका बाय द वे, तो अगले 3.5 घंटे के अंदर पूरा इंग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये लोग यहाँ पर आए थे। भाई थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, बट यार अगर मैंने उसको अभी ठीक कर दिया ना यार, तो साला वो किंग ओडिन कांड कर देगा यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। खैर एक सेकंड को भाई, एक काम करते हैं, ऊपर चलो, ऊपर चलो, एक बारी ऊपर चलना ही पड़ेगा गाइस अभी हम लोगों को। भाई यहाँ से नहीं, रास्ता आगे हो गया, क्योंकि गाइस देखो एक बात है, किंग ओडिन ने मेरे को बोला था सूरज के साइज को बड़ा करने के लिए, हालांकि स्पेल का असर 4 घंटे और 3.5 घंटे और रहेगा, बट कोई चक्कर ही नहीं है भाई, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग उसको बोल देंगे भाई देख मैंने तेरा काम तो कर ही दिया था गाइस, हमको ये करना पड़ेगा तो सब के सब मर जाएंगे। इसने मेरे को बोला कि तेरा हिमलैंड अभी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया होगा, मेरी गारंटी है, मुझे तो पता नहीं भाई। एंड गाइस ये एकदम सच्ची बात थी, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बट हमारा पूरा का पूरा हिमलैंड जल रहा था, यहाँ के सभी लोग, सारे के सारे जानवर, सभी के सभी चीज़ें, सब कुछ, सारे लोग, सारे के सारे प्लेयर्स हमारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे इस एक चीज़ की वजह से। तो गाइज मुझे कुछ भी करके इसको रिवर्स करना पड़ा। अब इसका जो अल्टीमेटली असर पड़ना था, वो पड़ना था मेरी और किंग ओडिन की उस डील के ऊपर जिसके अकॉर्डिंग मुझे उसके लिए काम करना था, बट मैं उस चीज़ को रिस्क करने के लिए तैयार था अपने हिमलैंड्स को बचाने के लिए, क्योंकि मैं अपने हिमलैंड को जलता हुआ नहीं छोड़ सकता था। तो बुढ़िया दादी ने इस स्पेल के इस चक्रव्यूह को उल्टा किया और फाइनली हमारा सूरज नॉर्मल हुआ। एंड अब बारी आती है मेरी दोबारा से किंग ओडिन के पास जाने के सामने उसके। फाइनली बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा सूरज नॉर्मल हो चुका। आई डोंट नो कि साला किंग ओडिन मुझे क्या बोलने वाला है अभी, तो मैं तुम लोगों को इसका सेकंड वाला टास्क बताऊंगा जब इसने मुझे क्या दिया हुआ। आई डोंट नो कि मैं ना इसका पहला टास्क जो सूरज बड़ा करना है जबरदस्ती में सबको मारने के लिए, देखो इसको अभी भी यहाँ पे लग रही है, इसको अभी भी यहाँ पे आग लग रही है भाई, मेरे को नहीं लग रही माँ कसम। भाई अभी भी थोड़ा सा डेंजर है, मतलब यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डेंजर सिस्टम अभी भी है। देखो यहाँ पे सब मरे हुए, देखो यहाँ पे नीचे सब मरे, वहां पे देखो
Holy shit, dude, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, सारे जानवर मर चुके होंगे अभी तक, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। और उसने मुझे बोला कि 4 घंटे आते आते तो इतना तापमान बढ़ जाता कि अगर हम लोग कदम भी रखते सूरज में ना तो विद इन सेकेंड, और तुम लोग नोटिस किया मैं आधे घंटे से लड़ रहा था उन बंदों से। ब्रो यहाँ पे आधे घंटे से मैं लड़ रहा था इन बंदों से और सूरज ढल ही नहीं रहा था। ओके, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे से। देखते गाइस किंग ओडिन क्या बोलता है, और उसका सेकंड टास्क इतना बकवास है ना भाई, उसको आई डोंट नो कि कैसे रिलेट हो रहा पहला दूसरा टास्क, बट जो भी होगा आगे तुम लोग बताओ, इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। लेट्स गो टू द किंग ओडिन मैन। ऑल राइट भाई, बहुत देर से चल रहा है यार, मुझे किंग ओडिन ने एक अलग ही फलती जगह का कोऑर्डिनेट दे दिया। ये तो भाई ये एक्चुअल में ना चाहता बिल्कुल नहीं कि कोई भी इसको ट्रेस वगैरह करे, कहीं ना कहीं से भी इसका पता चल सके, बहुत तेज बंदा है भाई ये। और बाय द वे अभी कांड तो होने वाला भाई, देखो पर मेरी गलती नहीं, मैं क्या करूं यार, मुझे ना करना पड़ा सूरज का। अबे ओए हीरो, क्या करूं क्या, चुप कर भाई, मैंने आपका पहला टास्क कंप्लीट कर दिया सामने, हेलो लेट्स गो। अबे घंटे का तूने मेरा पहला टास्क कंप्लीट किया है, पहले टास्क को कम से कम 4 घंटे की ड्यूरेशन पे चलाना था और तूने कितने में चलाया बता, खुद बता। अरे आधा घंटा, 35 मिनट, बल्कि आधा घंटा भी नहीं, 35 मिनट बहुत होते हैं भाई, पर एटलीस्ट काम तो किया ना। जैसे जैसे का मैंने फिगर आउट किया, लैंग्वेज में बोलूं, ड्रीम बॉय की लैंग्वेज में बोलूं, हाँ मोर बना दूंगा तेरा, समझ रहा है मेरे को, मोर बना दूंगा। पर चल कोई नहीं, मेरा काम तो हो गया, आधे घंटे के लिए चाहे कितने घंटे के लिए, लेकिन इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी अभी। मुझे? अरे मैंने काम कर, जब सजा की क्या बात है यार, और कृपया करके क्वीन जैस्मिन को कुछ मत करना यार। क्यों, जब आइटम जा रही है खुद की तो पता चल रहा है, अपने दोस्त को मारा तब शर्म नहीं आई? आइटम की तो बात ही नहीं है, आइटम की बात ही नहीं है, उसको बचाना है, मेरा फर्ज है उसको बचाना भाई, धर्म है। अबे चल बेटा, ज्यादा भी उड़ मत हवा के अंदर, तेरे को पता चलेगा तेरी करतूत का कारनामा अगले एडमिशन में, ठीक है? तो अभी जाओ, बाय बाय। अरे 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 भाई भाई, अरे मुझे बताओ तो सही, सेकंड टास्क क्या है, आधा बता के चले गए यार, पिछली बार आपने मुझे पूरी डिटेल नहीं बताई थी किंग ओडिन, पूरी डिटेल। अच्छा चल ठीक है ठीक है ठीक है, सुन ऑल राइट गाइस, तो किंग ओडिन से मेरी बात हो चुकी है। बताता रहियो, मैं तो निकल रहा हूँ, ठीक है? तेरी गलती है, तेरे ही कारना में, अभी इसे भुगत और मैं चलता हूँ। अरे भाई यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है गाइस, अब फिलहाल को इन्होंने मुझे अपना सेकंड टास्क पहले भी बताया था गाइस, जो सेकंड टास्क होने वाला है ना, पर मैं अभी मैंने पूरा डिटेल में समझा नहीं इस सूरज का और सेकंड टास्क का क्या रिलेशन था आपस में, आई हैव नो आइडिया उतना। बट गाइस जो हमारा सेकंड टास्क है वो एक पार्कोर रेस से रिलेटेड है, एंड भाई वो पार्कोर रेस ऐसी छोटी मोटी होने वाली, ऐसे आइस बायोम में होने वाली बहुत तगड़ी पार्कोर रेस, एंड उसकी डिटेल मैं तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में समझाऊंगा। हालांकि थोड़ा बहुत मैं समझ चुका हूँ कि कहाँ पर मेरी बैंड बजने वाली है ब्रो, मिशन के अंदर मिशन मिल चुका है मेरे को अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो मैं चाहूंगा तुम लोग सभी के सभी लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट जरूर करना, बहुत जल्द अपलोड होगा, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बट एट द सेम टाइम मेरी बैंड बजने वाली है भाई, हिमलैंड को बचाने के चक्कर में ना मैं जो अपनी घिसा रहा हूँ आजकल भाई, कसम से यार, उस चीज़ के लिए भाई एक लाइक तो बनता है, चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब भी बनता है। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसी धार सुरक्षा में, गए वस्ते वास्तव मैन, बाय बाय।